I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you another approach towards administration, that is human relations approach. Prior to this, we have discussed the scientific management approach to administration, and this time it is the turn of human relations approach. And the lecture will be in bilingual mode, and it must be useful for all of us. Human relations approach. बात हो रही है शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन. बार बार ये बात हो रही है कि प्रशासन और प्रबंधन जो आपके विषय हैं, जो अनुशासन है, उनके सिद्धांतों का अनुप्रयोग हम शिक्षा के क्षेत्र में देख रहे हैं, कि क्योंकि एक्चुअली ये वहीं ओरिजिनेट हुए हैं, जिसमें से हम क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में दो थ्योरीज की बात हो गई है. मैंने आपसे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी टेलर की डिस्कस की है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी मैंने वेबर की डिस्कस की आपसे, और अब ये ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच का टर्न है. क्यों? ये एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये इन ऑपोजिशन टू टेलरिज्म ही ओरिजिनेट हुआ है. क्यों? क्योंकि टेलरिज्म या टेलर साहब ने कहा था कि ये सब कुछ साइंटिफिक रखिए, आप इम्पर्सनल चलिए, आप ह्यूमन रिलेशंस की बात नहीं करेंगे, सब साइंस पे होगा, रेशनल होगा, लॉजिकल होगा. तो ये कहीं ना कहीं जो ह्यूमेन एलिमेंट खो गया था उसको लाने की बात इसमें की गई. The classical approach has not paid much attention to the human aspects of the organization. है ना, जो classical approach थी उसने किसी भी organization की human aspect, मनुष्य के परिपेक्ष पे, मानुषिक पक्ष पे ध्यान नहीं दिया. Subsequently, a few scholars devoted their attention to the human aspects of the organization, thereby contributing to the emergence of the human relations approach. इसीलिए कुछ विद्वजनों ने अपना ध्यान मनुष्य के पक्ष पे डाला, ऑर्गेनाइजेशन में जो मनुष्य इन्वॉल्व है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसके लिए सोचने की जरूरत है, ऐसा सोचा गया, और इस तरह से ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच का उद्भव होता है. इट एम्फसाइजेस, ये किस पर बल देता है? ह्यूमन रिलेशंस पे, मनुष्य के जो संबंध है, उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसका जो इनफॉर्मल सोशल रिलेशन है जो वो अपने वर्क प्लेस पे बना लेता है, जो इंडिविजुअल मोटिवेशन है, साइकोलॉजिकल फीलिंग्स है और टेंडेंसीज है, उसकी जो प्रवृत्ति है, उसके जो भाव है, उसके जो रिश्ते हैं सामाजिक, उन पर बल दिया गया. Thus it believes in analyzing the multi-dimensional nature of human beings and their interactions for understanding the workings of organizations. इसलिए यह विश्वास करता है कि जो ह्यूमन है, जो ह्यूमन बीइंग्स है, उनको वो मल्टी डायमेंशनल है, बहुत तरीके के आयामों से घिरे हुए हैं, और उनका जो इंटरेक्शन होता है, जो उनकी समझ है वर्क प्लेस की, वो ऑर्गेनाइजेशंस की वर्किंग पर फर्क डालती है. द ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच इज आल्सो नोन एज नियो क्लासिकल या न्यू क्लासिकल अप्रोच. इसको न्यू क्लासिकल अप्रोच के नाम से भी जानते हैं. एल्टन मेयो टर्म्ड इट क्लिनिकल अप्रोच. जो इसके प्रवर्ता हैं, प्रवर्तक हैं, एल्टन मेयो, उन्होंने इसको क्लिनिकल अप्रोच भी कहा. इट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द इनफॉर्मल रिलेशंस अमंग एम्प्लॉयर्स एंड employees are concerned with moral and psychological rather than legal aspects of an organization. ये प्रयास करता है कि जो informal relation among employers and employees है, यानी कि जो workers आपस में या teachers आपस में या जो management के साथ या जो उनके आपस का जो informal social relation है, वो उसमें जो moral और psychological पक्ष हैं वो ज़्यादा important होते हैं बजाय की legal के. The approach considers workers not only one of the means of production system but as a man. और इस approach में, इस उपागम में जो worker है उसको इस तरह से लिया जाता है कि वो सिर्फ एक उत्पादन का साधन नहीं है, बल्कि वो एक इंसान है, उसकी कुछ गुण भाव है, कुछ उसके interest, ability, self respect है. Human aspect पे ध्यान दिया गया. एक ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट ही चला जिसके बाद ये ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की बात हुई है. तो क्या था ये मूवमेंट, ये आंदोलन? इसमें कहा गया कि द ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट इमर्ज्ड इन द लेट 1930s एज एन आउटग्रोथ ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. एक तरह से वैज्ञानिक प्रबंधन से ही निकल कर आया ये लेट 1930s में. द मूवमेंट केम फ्रॉम नंबर ऑफ सोर्सेज. बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया, जैसे साइकोलॉजिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट थे एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, मतलब मानव विद, समाजविद और मनोवैज्ञानिक लोगों ने, जो कि क्रिटिकल थे, जिन्होंने आलोचना की किसकी, जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के नैरो और लिमिटेड स्कोप की आलोचना की और इसके उद्भव में योगदान दिया. दे वर मेनली अगेंस्ट द डीह्यूमनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड अगेंस्ट ट्रीटिंग ह्यूमन बीइंग्स एज कॉक्स इन द मशीन. ये इसके खिलाफ थे कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो हमने मनुष्य के तत्व को निकाल दिया है और मनुष्य को हम सिर्फ एक सामान की तरह, एक मशीन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसके ये खिलाफ थे. Several socio-economic factors influenced the emergence of the theory. बहुत सारे सामाजिक आर्थिक कारक भी जिम्मेदार थे इसके लिए जो ये थ्योरी आई, जो मूवमेंट चला. कौन कौन से कारक? जैसे इकोनॉमिक डिप्रेशन चला था 1930 के दौर का, आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने. कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री बन गई, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होने लगी और टेलरिज्म के खिलाफ लोग रिएक्शन देने लगे और क्लास एंटागोनिज्म, मतलब जो वर्ग विभेद था, वर्ग विरोध,
इकोनॉमिक डिप्रेशन रहा जिसमें 1930 के आसपास जब बहुत सारा एकदम इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, तो ये पाया गया कि जो मेंटल स्ट्रेन आया वर्कर्स पे, तो उन्होंने कहा कि आप अटेंशन कीजिए साइकोलॉजिकल फैक्टर पे, ह्यूमन फैक्टर पे, ताकि ये भी इम्पॉर्टेंट है आपको बढ़िया प्रोडक्शन पाने के लिए। उसी तरह से कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री हो गई, यानी कि आप सिर्फ पूंजी 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 पे ध्यान दिया जा रहा है। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडस्ट्री वाज बिकमिंग मोर कैपिटल इंटेंसिव, अ ब्रेकडाउन ऑफ इक्विपमेंट, स्ट्राइक्स एंड हाई लेबर टर्न ओवर यूज टू कॉज द मोनोपोलीज इनॉर्मस लॉसेस, मतलब बहुत सारा लॉस हो रहा। तो उन्होंने कहा कि हम वर्कर्स को डेडिकेटेड एटीट्यूड बनाने के लिए सिर्फ हमको इकोनॉमिक कॉज पे ध्यान देने के अलावा बाकी चीजों पे भी ध्यान देने की जरूरत है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई, लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ा, प्रोफेशनल स्किल्स बढ़ा, तो उनकी पर्सनल डिग्निटी की भी बात की गई कि हमको उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। फिर टेलरिज्म के खिलाफ रिएक्शन हुए और क्लास एंटिगोनिज्म भी इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण रहा। इसकी खास बातें क्या है, अगर आप ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की बात करेंगे तो इम्फेसिस ऑन ह्यूमन एलिमेंट, आप मनुष्य के तत्व पर ध्यान दीजिए। इम्पैक्ट ऑफ सोशल एंड ह्यूमन फैक्टर्स इन प्रोडक्टिविटी, अच्छा इसमें एक हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट का बहुत नाम लिया जाता है। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट ये मेयो साहब ने किया और ये बहुत साइकोलॉजी में सोशल साइंस में कोट किया जाता है। इसमें ये निकल के आया कि सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है जो वर्कर के लिए मोटिवेशन का काम करता है, बल्कि सोशल फैक्टर, रिकॉग्निशन फैक्टर, इस तरीके के फैक्टर्स भी है जो काम करते हैं। इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक मोटिवेशन की बात मत करिए ना सोचिए। तो इसने सोशल और ह्यूमन फैक्टर्स को प्रोडक्टिविटी में उनके इंपैक्ट को बढ़ाया। फिर मैन इज नॉट ओनली एन इकोनॉमिक मैन, उन्होंने कहा मनुष्य सिर्फ एक आर्थिक रूप से आप उसको मत देखिए, वो साइकोलॉजिकल है, सोशल है, उसको सिंपैथी चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, ये सब भी जरूरी है। डिस्कार्ड ऑफ रेबल हाइपोथेसिस, इन्होंने कहा कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच डिस्कार्ड, इन्होंने खत्म किया इस हाइपोथेसिस को, जिसकी दो प्रीमाइसेस थे कि लेसिस्फेयर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैर्सिटी। दिस हाइपोथेसिस कंसीडर्स होल सोसाइटी एज ए होर्ड ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड पीपल वेयर इन ईच वन कम्पीट्स फॉर इट सेल्फ डिफेंस एंड फुलफिलमेंट ऑफ सेल्फ ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कहने का कि ये नहीं था कि पूरी सोसाइटी अनऑर्गेनाइज्ड पीपल से मिलकर बनी, बल्कि सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, रिलेशंस होते हैं, इनफॉर्मल सो फॉर्मल, तो इसको इसने डिस्कार्ड किया। और सेटिस्फेक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ वर्कर्स, और जो कामगार हैं, जो काम करने वाले हैं, उनके जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं उनकी भी पूर्ति होनी चाहिए, इस पर कहा गया। इंपॉर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स, उन्होंने कहा कि आप कहीं भी वर्क प्लेस पे काम करते हैं आपके इनफॉर्मल ग्रुप्स बन जाते हैं और आपको उसको महत्ता देनी चाहिए। सुपरविजरी स्टाइल को लिबरल बनाइए, वर्कर्स पार्टिसिपेशन और ग्रुप एंडेवर को महत्व दीजिए, मतलब उनकी सहभागिता सुनिश्चित कीजिए, उनके प्रयास को महत्व दीजिए। और ऑर्गेनाइजेशन एज ए सोशल सिस्टम, उन्होंने कहा ऑर्गेनाइजेशन मैकेनिकल सिस्टम नहीं है बल्कि सोशल सिस्टम है, यहाँ लोग मिलकर काम करते हैं, सोशल रिलेशंस होते हैं उनके, तो इस पर बात की गई। और अगर इसकी रेलेवेंस देखें, ये मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ, आई डोंट नो ये कैसे व्हाइट से वो ऐसा पर्पल नहीं हुआ, तो आप इसको ध्यान में दीजिए। जॉर्ज अल्टन मेयो इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशन। हिज मेन हाइपोथेसिस इज दैट रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉई शुड बी ह्यूमनिस्टिक नॉट मैकेनिस्टिक। एक लाइन में खास बात कि जो रिश्ते हैं वो मैकेनिकल नहीं है बल्कि मनुष्य मानवीय हैं। एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स डिजर्व टू बी ट्रीटेड एज इंडिविजुअल्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट रादर देन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और इंटरचेंजेबल एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम। उन्होंने कहा कि जो काम कर रहा है वो डिजर्व करता है कि आप उसको सम्मान के साथ, उसके आत्मसम्मान की रक्षा करें, उसको बढ़िया ट्रीटमेंट दें। और साइको सोशल है आपका ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको ह्यूमन रिसोर्सेज, उनके बिहेवियर्स, उनके वेलफेयर, उनके कल्याण, उनकी आवश्यकताओं, उनकी संतुष्टि, उनके अंतर संबंध और सहयोग को बल देना चाहिए। फिर अगर इसका इंप्लीकेशन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में देखें, तो इफ एजुकेशनल मैनेजर्स अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज द एक्जिस्टेंस ऑफ सोशल सिस्टम्स इन द एजुकेशनल एनवायरनमेंट, दे विल बी बेटर प्लेस्ड टू इंटीग्रेट दीज ग्रुप्स इनटू द ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ द स्कूल। एग्जांपल, ग्रुपिंग्स कुड बी फॉर्मलाइज्ड इनटू क्लब्स सच एज डिबेट, जर्नलिज्म एंड टीचर्स वेलफेयर। उन्होंने कहा इसको सोशल मानिए, इसको मैकेनिकल मत मानिए, सिर्फ साइंटिफिक लॉ से नहीं काम चलेगा, आपको ह्यूमेन एलिमेंट लाना पड़ेगा, तभी आप शिक्षण, अधिगम और कोऑपरेशन को बढ़ा सकते हैं जब ग्रुप फैक्टर काम करेगा। ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी इनेबल्स एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन टू रिकॉग्नाइज ह्यूमन फैक्टर इन इंस्टीट्यूशन। आपके इंस्टीट्यूशन में जितना भी ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है, आप उसको डिग्निफाइड तरीके से ट्रीट कीजिए, उसके सेल्फ रेस्पेक्ट की बात कीजिए, उसके पर्सनल नीड्स और टैलेंट्स को समझिए, रिकॉग्नाइज कीजिए, मोटिवेट कीजिए, यही सारी बातें हैं। टू डिटेक्ट इंडिविजुअल टैलेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर शुड कल्टीवेट एन एनवायरनमेंट व्हिच इंश्योर्स टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड वर्कर्स दैट देयर आइडियाज एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी। आप उनको ध्यान दिलाना पड़ेगा, आपको उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक ह्यूमन रिसोर्स जरूरी है, जिम्मेदार है और वो अपना रोल प्ले कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी में, तो वो मोटिवेट रहेंगे। कहने का मतलब ये कि सिर्फ इकोनॉमिक मोटिवेशन जरूरी नहीं है, जैसा कि हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट भी निकल कर आया। तो
ये रही ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, ये इन ऑपोजिशन टू साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी निकल कर आया, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट ने ह्यूमन एलिमेंट को बिल्कुल छोड़ दिया था, इन्होंने कहा कि ह्यूमन एलिमेंट भी लेके चलिए। फिर आगे की थ्योरी क्या होगी, क्या कह सकते हैं, एमलगमेशन ऑफ क्लासिकल और एंड न्यू क्लासिकल अप्रोच, मतलब आपको साइंटिफिक भी रहना है, आपको ह्यूमेन भी रहना है, ना आप पूरे साइंटिफिक होके काम चला सकते हैं ना पूरे ह्यूमेन होके, कहीं ना कहीं आपको लॉस का सहारा लेना पड़ेगा। तो इस तरह से जो सोशल सिस्टम अप्रोच है वो एक तरीके से अमलगमेशन ऑफ सिस्टमेटिक साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच है, ठीक है। सो इन दिस वे आई हैव कवर्ड दिस वेरी थ्योरी एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी एंड मेनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस वेरी टॉपिक। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव डन फ्रॉम माय साइड।